एक बड़ा एक्शन हुआ है। ओडिशा से जुड़े नीट पेपर लीक के तार, भुवनेश्वर से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रंजीत, अमित और धीरेंद्र की गिरफ्तारी यहां से हुई है। सेटर गैंग के सदस्य ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। पेपर लीक मामले में तीनों की अहम भूमिका रही। भुवनेश्वर से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अहम बातों के खुलासे की उम्मीद है। कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है इन सभी की। बैंक खातों की भी जांच इनकी की जा रही है। सीबीआई ने इन 3 लोगों को दबोचा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है और इस मामले में कई आरोपी अभी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। अब नीट पेपर लीक मामले में 3 और बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। इन तीनों आरोपियों को भुवनेश्वर से सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को 5 अगस्त तक सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए एमबीबीएस स्टूडेंट मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के रिश्तेदार रॉकी की निशानदेही पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इससे पहले पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स, रांची रिम्स की एक छात्रा, राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 एमबीबीएस स्टूडेंट और मुंबई से एमबीबीएस स्टूडेंट रौनक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।